हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मेरे पास जो है वो ईवा का जो है एयरबड्स है ATX 80E। ठीक है, तो ये जो है एक बॉक्स काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी जो है बॉक्स की काफ़ी अच्छी है। और ये मैंने जो है ऑफलाइन बाय किया है। मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि ये कितने का मुझे पड़ा है। तो पहले ये बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ओपन ऊपर जो है बॉक्स के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है ईवा जापान इस्टेब्लिश 1951 लिखा हुआ। ये इसका मॉडल नंबर है ATX 80E। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे एयर डायनामिक डिज़ाइन दे रखा है, सेमलेस ऑटोमेटिक पेयर दे रखा है, वायरलेस जो है 5.1 है, मतलब कि ये वाईफाई नहीं, ब्लूटूथ यहाँ पे सिंबल देना चाहिए था। यहाँ पे देखिए वाईफाई का सिंबल दे रखा है, ये बेकार है। ठीक है, उसके बाद हाई डेफिनेशन ऑडियो क्वालिटी दे रखा है। ठीक है, इस साइड बॉक्स में कुछ नहीं दे रखा है। इसमें जो MRP लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3350। ठीक है, और पीछे बैक में जब देखते हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है जो मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो ये रहा, इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो मिला है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और ये देखिए बॉक्स के अंदर जो है ये रहा हमारा एयरबड्स, ये है। ठीक है, ये एयरबड्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इसको साइड में रखते हैं। ये रहा इसका केबल, ये है माइक्रो USB केबल दे रखा है इसके साथ। ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं। ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर डाल रख के दे रखा है। इसके अंदर एक और कंपार्टमेंट है, इसको जब खोलते हैं तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी मैनुअल गाइड है जिसको पढ़ते पढ़ते आपको शाम हो जाएगी। तो आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ लेना, बहुत ही बड़ा दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। और ये एयर क्लिप्स दे रखे हैं, एक इसमें लगा हुआ है, बाकी जो दो हैं वो दे रखे हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज तीन आते हैं इसके अंदर। तो इसको हम बॉक्स को रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारा जो मेन चीज़ है वो ये रहा, ये है, ये एयरबड्स है। ठीक है, अब जो है इसको ओपन करके देखते हैं। इसका जो ये जो हिंज है ये बहुत काफ़ी ऐसा लगता है लोकल क्वालिटी का, ऐसा लगता है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, बस है। और ये देखिए इसके अंदर जो है ना ये बहुत काफ़ी अच्छा दे रखा है कि यहाँ पे एक डिस्प्ले है छोटा, जिसमें है जो है वो दिखता है कि कितने परसेंट चार्ज है। आप अगर इसके अंदर से कोई भी एयरबड्स अगर निकालते हैं तो इसमें शो होता है कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, वो चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, तो ये 97% चार्ज दिखा रहा है और इसमें कोई एक कोई भी बटन नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है क्वालिटी मुझे इसकी हिंज बहुत बेकार लगी है, जो बिल्कुल ऐसे ही इतनी बेकार क्वालिटी जो है इतनी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल एकदम लूज़ है, ये अपने स्टैंड बाय में रहता नहीं है, तो ये बहुत बेकार लगा। और इसमें एक अच्छी बात लगी कि जब भी आप इसको निकालते तो यहाँ पर वाइट कलर का ब्लिंक होता है, मतलब कि ब्लूटूथ के साथ कंपेटिबल है। और यहाँ पर जो है एक बटन दे रखा है जो बहुत ही साउंड करता है, मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, बहुत ही साउंड करता है जो बहुत वाहियात लगता है। तो ये चीज़ें हैं, अब जो भी चीज़ हैं तो सही हैं। साउंड की बात करें तो साउंड की क्वालिटी मैंने चेक किया है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा बेस नहीं आता है इसके अंदर। ट्रेवल सही है, बस बेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं आपको ना कुछ प्ले करके इसमें दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इसमें कैसा साउंड आता है। ठीक है, तो साउंड को प्ले करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसा साउंड इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्लूटूथ के साथ यहाँ पे ये देखिए ये जो है ये बन के आता है XT880। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये भी कनेक्टिंग दिखा रहा है, दोनों हमने निकाल लिया है। उसके बाद जो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे देखिए दिखाता है 80% बैटरी है। इसमें अलग से कोई ऐप नहीं आता जिसमें आप लगा के और देख सकते हैं कि इसमें कितनी बैटरी है या कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं साउंड की क्वालिटी आपको सुना देता हूँ कि साउंड की क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत स्लो है, आप सुन लीजिए। मैंने माइक के पास रख रखा है इसको, तो साउंड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है बस। ओके, ठीक है, बस ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो बस ठीक है। और इस प्राइस रेंज में 500 के रेंज में अगर आप बस
म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो ठीक है, ले सकते हैं। लेकिन अगर और अच्छे क्वालिटी में अगर आप चाहते हैं, अगर आपने अच्छे क्वालिटी यूज़ कर रखा है, तो ये आपको क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो ठीक है, जैसा भी है, बस इस प्राइस रेंज में सही है। अगर आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।